हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। लास्ट क्लास में मैंने थेवेनिन का आपको बहुत ही अच्छे वे में थ्योरी और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सब चीज बहुत ही अच्छे वे में आपको कराया। आज के क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके मेंस एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप लोग जब वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो प्रॉपर वहाँ पे एक कमेंट कीजिए। इससे होता क्या है कि एक टीचर को एप्रिसिएशन मिलता है, एक टीचर का जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और वो और ज़्यादा आपके लिए काम करना चाहता है, ठीक है। तो कमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिंपली जाके कमेंट बॉक्स में जाके तो कमेंट करना है कि लेक्चर आपको लग कैसे रहा है, आप प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, जितने भी यहाँ पे समझाया जा रहा है हर एक चीज़, कुछ भी आपको जो भी अच्छा लगे उसके बारे में वहाँ लिख देना है, ठीक है, ये बोलना है, ठीक है। मैंने तो अभी क्वेश्चन अभी दिया नहीं है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बस एक मेरे अप्रिसिएशन के लिए, मेरे मोटिवेशन लेवल को और बढ़ाने के लिए, ताकि मैं आपके लिए और फुल्ली डेडिकेशन के साथ काम कर सकूं, ठीक है। तो उसके लिए बस मेरे को एक कमेंट, आप लोग वहां पे सारे लेक्चर जितने भी लेक्चर आप देखते हैं वहां पे आप कमेंट किया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट मिलेगा तो मेरे में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा और आप लोगों के लिए और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा मैं, इसलिए मैं वहाँ पे बस बोलता हूँ और मेरा कोई इसमें पर्सनल रीजन नहीं है, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम का जैसे कि मैंने थ्योरी वगैरह बहुत अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन किया था, अच्छा लगा, आप लोग का कमेंट आया, मैंने वहाँ पे पढ़ा तो बहुत लोगों का कमेंट आया था, अच्छा लगा, मुझे अच्छा फील हुआ, थोड़ा मोटिवेशन लेवल मेरा और थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो अच्छा फीलिंग था मेरे लिए और इसलिए मैंने आपके लिए और हार्ड वर्क किया और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का लेवल लाया। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आए हुए थे सबको सर्च करके प्रॉपर मैंने उसको आपको अभी एक ही लेक्चर में देना चाह रहा हूँ। तो उसी में से क्वेश्चन नंबर मैंने थर्ड लिया, दैट इज 15 मार्क्स फॉर SSC JEE मेन्स एग्जाम। ओके, सो क्या करना है, करंट कैलकुलेट करना है थ्रू 5 ओम रजिस्टर बाई यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। सो दिस इज द 5 ओम रजिस्टर, इस 5 ओम रजिस्टर में आपको थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके करंट का वैल्यू क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो स्टेप नंबर वन आपको लिखना समझ में तो आ गया है, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप नंबर वन, फर्स्ट आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे रिमूव द लोड रजिस्टेंस को पहले रिमूव करते हैं। ओके, तो रिमूव द RL, तो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे तो जो सर्किट है वो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ये देखिए सर्किट ये। ओके, ठीक, कई लोग कमेंट भी किए थे कि जब आप लिखते हैं तो सर थोड़ा साइड होके लिखा कीजिए, तो सही है, बिल्कुल परफेक्ट है, ताकि आप लोग को दिखना भी चाहिए मैं जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि वो जो मेरा हैबिट है ना, उससे मैं क्या करूँ, थोड़ा साइड होके लिखूँ। ये आपका क्या है, 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये आपके पास 12 वोल्ट है प्लस माइनस, ओके, और ये 1 ओम है और ये आपका 2 ओम है, ठीक। और किस पे निकालना है आपको, 5 ओम रजिस्टर पे निकालना है, तो 5 ओम रजिस्टर, वेयर इज 5 ओम, ये है, ठीक है, उसको आप रिमूव कर दीजिए, ये रिमूव कर दिए, इसका मतलब इस टर्मिनल पे आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। इसको मैं प्लस कंसिडर कर लेता हूँ, इसको माइनस, कोई इशू नहीं है, ग्राउंडिंग आप माइनस कंसीडर कर लेते हैं, ऊपर वाला प्लस, और ये आपका कितना दे दिया यहाँ पे 2 ओम, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड है वहां पे VTH कैलकुलेट करने के, ठीक है, या तो आप VTH यहां से इधर देख सकते हैं या VTH यहां से उधर भी देख सकते हैं, ये सब का ड्रॉप भी निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। दूसरा, आप डायरेक्ट यहाँ नोड लगा दीजिए, जो VTH आएगा वही आपका VTH रहेगा, मतलब है ना। तो देखिए, इस पॉइंट पे KCL लगा दीजिए, इस पॉइंट ए पे, लेट सपोज वहां का वोल्टेज VA है, वहां पे आप KCL लगा दीजिए, तो KCL के थ्रू भी निकाल सकते हो, बहुत सारे मेथड है यार, लूप भी लगा सकते हो, सोर्स कन्वर्जन भी कर सकते हो, जितना टेक्निक बताया हो ना सब यूज कर सकते हो, बहुत सारे आपके पास मेथड है। तो मैं अभी नोडल एनालिसिस मेथड KCL मेथड को मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मेश लगा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं क्या लगा लेता हूँ, नोडल एनालिसिस लगा देता हूँ। नाउ लेट अस कंसीडर VTH, इसको मैं मान लेता हूँ VTH, यहाँ का वोल्टेज क्या होगा बेटा, VTH होगा, ओके। तो इस पॉइंट ए पे मैं VTH नोड लगाऊंगा, तो दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, देखिए मैंने नोड लगा दिया वहां पे, तो VTH माइनस 12 डिवाइडेड बाई कितना, ये 1 हो गया इस ब्रांच के लिए, यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, वही VTH निकाल रहा हूँ मैं, इस ब्रांच के लिए मैं निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा, इस ब्रांच के लिए
ठीक है। हाँ, सबसे पहले आप ऐसा करने से पहले आप तो फिर यहाँ का वोल्टेज भी आपको एक लेना पड़ जाएगा, है ना। उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो 5 × 10 कितना हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। चलिए सोर्स कन्वर्जन कर लीजिए, 5 × 10 10 वोल्ट हो गया, प्लस ये माइनस, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 4, करेक्ट। अब VTH निकाल दीजिए आ जाएगा, या दूसरा मेथड, चलो मेथड नंबर 1 मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना, मेथड 1। ठीक है, नोडल से मैं निकाल लेता हूँ, चलो नोडल एनालिसिस, ये नोडल एनालिसिस, करेक्ट। नोडल एनालिसिस से निकालूंगा तो यहाँ पे मैंने एक नोड लगा दिया, तो क्या हो जाएगा, ये VTH माइनस 12 डिवाइडेड बाई कितना 1 हो गया। अब इसके लिए क्या लिख लूंगा मैं, प्लस VTH माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, ये 2 और ये 2 सीरीज में आ गया, दैट इज 4। तो VTH बस निकाल लीजिए यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी मैं 4 बना देता हूँ, यहाँ पे भी मैं 4 बना देता हूँ, इससे ये 4 नीचे का 0 हो गया, तो क्या मिलेगा मेरे को, 4 VTH प्लस माइनस हो गया है, 12 × 4 कितना हो जाएगा 48 प्लस VTH माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट 0, करेक्ट। तो 4 VTH प्लस 1 VTH 5 VTH ये हो गया आपके पास, ये 5 VTH हो गया, 48 और ये 58 हो गया, ओके। तो VTH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 58 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, ये आपका VTH वहां पे आ गया। ठीक, स्टेप नंबर 2 में चलते हैं आप, स्टेप नंबर टू में क्या करेंगे, स्टेप नंबर टू में क्या निकालते हैं, RTH कैलकुलेट करते हैं। RTH कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितने भी सोर्सेस रहता है सारे सोर्स को हम लोग डीएक्टिवेट करते हैं। तो ये सोर्स को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दिया, इट इज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस, और इसके अक्रॉस इस 5 ओम RL इक्वल्स टू 5 ओम के अक्रॉस आपको RTH निकालना है, ये करेक्ट। ये तो ये करेंट सोर्स है, ये क्या हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा, ये आपका ओपन हो गया। ठीक, 2 और 2 पैरेलल सीरीज में है, कितना हो जाएगा 4 हो गया, ये देखिए ये आपका हो गया 4 ओम। अब यहां से करंट जो है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, फिर यहाँ पे वो करंट वापस आके फिर जुड़ रहा है ना यहाँ से ऐसे, मतलब ये दोनों किस में है, करंट 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, पैरेलल में है। तो RTH कितना हो जाएगा वहां पे, RTH की वैल्यू मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो RTH इज इक्वल टू 1 पैरेलल टू 4, करेक्ट। तो 1 × कितना हो जाएगा 4, और 4 + 1 कितना हो जाएगा 1 + 4 5, तो 4/5 यहाँ पे ओम क्या आ गया बेटा, RTH आ गया। इतना इनाफ है, इतना समझ में आता है, ठीक है। ठीक, तो VTH निकाल लिए, RTH निकाल लिए, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव कर लिए, फिर यहाँ पे हम लोग स्टेप नंबर 2 में उसका क्या निकाल लिए, VTH निकाल लिए, स्टेप नंबर 3 में हमने उसका RTH निकाल लिए, देन स्टेप नंबर 4 में हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करेंगे, जिस सर्किट को बोला जाता है इक्विवेलेंट सर्किट, करेक्ट। इक्विवेलेंट सर्किट जब ड्रॉ करते हैं थेवेनिन थ्योरम में, तो ये VTH हो गया, और ये आपके पास क्या है, RTH हो गया, और ये RL है, RL 5 ओम का था, इसी के क्रॉस करंट चाहिए आपको, और RTH कितना निकाले हैं यहाँ पे 4/5 निकाले हैं हम लोग, 4/5 ओम, और VTH कितना निकाले हम लोग यहाँ पे 58/5, ये करेक्ट। तो यहाँ पे करंट निकालेंगे तो करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 58/5 डिवाइडेड बाई 4/5 प्लस 5, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 58/5 डिवाइडेड बाई 5 × 5 25 + 4 29 डिवाइडेड बाई 5 5 कैंसिल 58/29 डिवाइडेड बाई इज इक्वल टू 2 58/29 दैट इज 2। नाउ करंट कितना आ गया बेटा यहाँ पे, करंट जो पूछा गया था कितना एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर। ये करंट का वैल्यू आपके पास 2 एम्पियर आ गया, जो आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा गया था, क्लियर। तो ये आपको पूछा गया था, देखिए करंट का वैल्यू 15 मार्क्स में कितना मिनट लगेगा, मुश्किल से 3 मिनट में ये क्वेश्चन आपका 15 नंबर देख जाएगी आपको, ठीक। तो स्टेप नंबर 1 फर्स्ट हमने क्या किया, वी आर डूइंग क्या किया हम लोग, वी डिड रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। सेकंड स्टेप हम लोग क्या किए, फाइंड VTH, VTH निकाल लिए, कोई भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, VTH फंडामेंटल क्यों पढ़ाया गया है, इसी VTH को निकालने के लिए, क्यों वहां पे आपको KCL KVL ओम्स लॉ, जितना आपका वोल्टेज डिवीजन करंट डिवीजन, जितना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेस नोडल है, सब क्यों पढ़ाया गया है, यहां पे यूज करने के लिए, करेक्ट। तो VTH हम लोग यहां पे निकाल लिए। स्टेप नंबर 3 RTH, तो RTH क्यों,
क्या है आरटीज में, आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, सर्किट को डीएक्टिवेट करना है और रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज आरटीएच, आरटीएच निकाल लेना। और यहाँ पे क्या है इक्विवेलेंट सर्किट फिर बनाना, फाइनली सब वैल्यू को पुट कर देना, सीरीज में होना चाहिए सर्किट, पैरेलल नहीं बनाना, पैरेलल नॉर्टन में आएगा, ओके नॉर्टन इसके बाद देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका करंट सिंपली सीरीज सर्किट में आपको करंट निकालना आता है, दैट इज करंट इक्वल्स टू टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये कर लेना और आपका यहाँ पे करंट का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज वेरी इजी। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम किसी को है क्या? नहीं है। और किसी को और प्रॉब्लम हो रहा है तो और प्रॉपर वहाँ पे आप अपना कमेंट कीजिए और मेरे को वहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर। तो ये बेसिक चीजें हैं, करेक्ट। अब इसी को देखो, कई लोग बोलते हैं आपके को कि सर यहाँ पे वीटीएच को और कौन कौन से मेथड से निकाल सकते थे, वीटीएच निकालने के और कौन कौन से मेथड है। बेटा तो वीटीएच हम लोग और अलग अलग तरीके से निकाल सकते, यहां से सबसे पहले आप लूप लगा दीजिए, करेंट लूप लगा के आपको करंट मिल जाएगा। लूप लगाएंगे जैसे ही तो क्या मिलेगा, देखो लूप लगाने से बेटा मेरे को क्या मिल जाएगा, ये माइनस का 12 हो गया, माइनस का 12, ये सारे सीरीज 4 और एक 5 हो गया, तो ये लिख देता हूं मैं 5i, ठीक, इसमें करंट फ्लो हो रहा है i, और ये प्लस का 10, तो ये प्लस का 10 इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक। 10 12 में 10 गया, 2 बचेगा, आई इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/5, ये आई निकल गया। अब बेटा वीटीएच निकालना है आपको, तो वीटीएच इक्वल टू यहाँ पे आप दूसरा लूप लगा सकते हैं कि नहीं, यहां से एक और लूप लगा दीजिए ऐसा, ठीक, इस वाले पोर्शन पे, इस वाले पोर्शन पे एक लूप लगा दीजिए ऐसा, देखिए यहाँ पे ऐसा, ठीक है। वहां पे आप लूप लगा देंगे तो क्या बनेगा, आप वहां पे देखिए आप क्या होगा, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का क्या हो जाएगा, वीटीएच, ठीक है, ये हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 1, और उसमें फ्लो होने वाली करंट, या फिर आप चलिए ऐसा नहीं लगाना चाहते ना, ऐसा नहीं लगाना चाहते तो यहीं से ऐसा लगा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, ये भी तो एक लूप है, ये लूप है, ये कंप्लीट एक मेश है, मेश लगा दीजिए, मेश, चलिए मेश, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 12, ये माइनस का 12 हो गया, ये माइनस साइन, ये प्लस, करंट उसी डायरेक्शन में है तो प्लस ले लीजिए 1, और करंट कितना निकाले हैं, 2/5, तो ये 2/5 हो गया, फिर ये प्लस का वीटीएच, प्लस का वीटीएच इक्वल टू 0, तो फाइनली वीटीएच इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, 12 माइनस 2/5, है ना, तो 12 इंटू 5, 12 इंटू 5, 60 हो गया, 60 में से 2 गया तो कितना हो गया, 58, और 58/5, देखो 58/5 आया है कि नहीं, आया है ना 58/5, यहां से भी आ जाता, लूप से भी कई लोग निकाल सकते थे, ठीक है। दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड क्या है, आप यहां से भी ऐसे लूप लगा सकते थे, ये एक तो लूप यहां पे मारे थे मेस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कहीं से भी लूप लगा लीजिए ना, आपका आंसर क्यों नहीं आएगा, वही समझाना चाह रहा हूं मैं, दुनिया भर का जितना टेक्निक है सब लगा लीजिए, आएगा आंसर। देखिए यहां पे आपका ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे लगा लो ना, क्या दिक्कत है, आई का वैल्यू को तो मेरे पता है ना कितना, 2/5 तो मैं निकाल लिया, तो यहां ड्रॉप पता है, ये वोल्टेज निकलेगा, ठीक। अब देखिए वहां पे दूसरा लूप से आपको लेट सपोज निकालना है, तो ये पहला साइन क्या है बेटा, माइनस है, तो माइनस का क्या हो गया, ये वीटीएच हो गया, कोई दिक्कत, फिर ये प्लस, प्लस का ये 4, उसके क्रॉस करंट 2/5, ये 2/5 हो गया, फिर ये प्लस का कितना है 10, तो ये 10 इज इक्वल टू 0, 0। अब इसको सॉल्व कर लो, जरा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, वीटीएच लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, तो ये 4 × 2 8/5 हो गया, 8/5, और ये 10 है ना, तो 5 × 10 50 50 + 8 58 58 डिवाइडेड बाई 5, ये देखो वोल्ट, 58/5 वोल्ट आया कि नहीं, आ गया ना भाई। तो देखो तीन मेथड मैंने आपको बता दिया और तीनों मेथड से सेम आंसर, तो आप चौथा पांचवा छठवां मेथड में 10 मेथड बता दूंगा, बट ये मेथड ना आपसे बनना चाहिए, और मेरा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सिखाना, मैं सीख चुका हूं, मैं बहुत सालों से काम कर चुका हूं ये सब चीज पे, अब बारी है आपको, आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है आपके एग्जाम पे, तभी मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आपको मैं पूरा A to Z सिखा रहा हूँ, मतलब एक भी चीज ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो आपको नहीं आता, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिकल मतलब इतना स्ट्रांग कर लेना है कि आपको कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, हर एक चीज आना चाहिए, इतने स्ट्रांग हम लोग को करना है यहाँ पे, ताकि उसका एप्लीकेशन जब मैं मशीन पढ़ाऊं, जब वहां पे पावर इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाऊं, जब मैं वहां पे आपको पावर सिस्टम पढ़ाऊं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊं, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं इस पे इतना मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि आने वाले सब्जेक्ट्स ये सब भी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में मैं डिस्कस करता हूं। इस क्वेश्चन में हमने बहुत डिस्कस किया, हर एक चीज देख ली है जो आपको चाहिए था, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लू यहां पे, क्वेश्चन नंबर, दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा, 4, ठीक, मेंस का क्वेश्चन ही ले रहा हूं मैं, ओके।
चलिए तो नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी आपको ये सीरीज कैसे लग रहा है, आपको मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ठीक है तो कमेंट कीजिए प्रॉपर। प्रॉब्लम नंबर फोर क्या बोल रहा है कि आपको 2 ओम रजिस्टर पे इस यहाँ पे ले लीजिए, आप इस 5 ओम रजिस्टर पे आपको ऐसा दिया हुआ है, इस 5 ओम रजिस्टेंस पे यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इस बार। ठीक है 5 ओम रजिस्टेंस पे आपको क्या करना है, करंट के वैल्यू कैलकुलेट करना है यूजिंग थेवेनिन थ्योरम, करेक्ट? ठीक है तो थेवेनिन थ्योरम को यूज करके इस 5 ओम रजिस्टेंस पे करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। ठीक है यहाँ पे स्टेप नंबर 1 क्या लेते हैं हम लोग, स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रिमूव द लोड रेजिस्टेंस। स्टेप 1 क्या बोलते हैं, इसमें RL को रिमूव करते हैं, इसको रिमूव किया जाता है, करेक्ट? और डायग्राम बना लिया जाता है, रिमूव कर दीजिए उसको। तो ये आपका हो गया, ठीक है मैंने ये देखो इसको रिमूव कर दिया, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आपके पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी आपके पास एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट? और ये हो गया आपका सर्किट, ये प्लस माइनस ये हो गया, और ये आपके पास एक करंट सोर्स है, दैट इज 3 एम्पियर का करंट सोर्स, ये 3 एम्पियर का करंट सोर्स, ये 2 ओम, ठीक, ये 1 ओम, ठीक है इतना, ये 18 ओम नहीं है, ये ओल्ट है, ये ओल्ट है ना, ये 18 ओल्ट, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आप लोड रेजिस्टेंस को रिमूव किए हैं, स्टेप नंबर 2 में हम लोग वहीं पे क्या करेंगे, वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, VTH कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट VTH अक्रॉस ओपन टर्मिनल, दिस इज द VTH। इस पॉइंट पे अपन क्या करने वाले हैं बेटा, यहाँ पे VTH निकालने वाले हैं, VTH दी प्लस माइनस ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक। तो VTH अपने को कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे, ठीक है, करेक्ट। अब VTH लेट सपोज यहाँ का वोल्टेज मैं मान लेता हूँ ये VA है, यहाँ का वोल्टेज VB है, ओके। तो VTH क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा अप्रोच क्या होगा, VTH इज इक्वल टू, इसको पॉजिटिव लिए है ना, दैट इज VA माइनस VB। हमारा मेन टारगेट क्या है, VA और VB को निकालना, दोनों का डिफरेंस करेंगे VTH आ जाएगा, आप लूप भी ले सकते हैं, दिस इज प्लस दिस इज माइनस एंड दिस इज VTH, करेक्ट। तो VTH इक्वल टू VA माइनस VB, ठीक है, इफ दिस पॉइंट इज पॉजिटिव और दिस पॉइंट इज नेगेटिव। तो डजंट मैटर VTH पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव, आपका यदि नेगेटिव आ गया आंसर तो आपका एजम्पशन थोड़ा सा रॉन्ग था, उसको प्लस उसको माइनस पोलैरिटी को चेंज कर देना, पॉजिटिव आ गया तो नो प्रॉब्लम, कोई सुनी है तो आपका मानने वाली बात है ना, कंसिडर करने वाली बात है। तो दिस इज VTH, दिस इज आवर अप्रोच, करेक्ट, ये हमारा अप्रोच है। तो VA इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट एंड VB इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट, नाउ आई एम सिंपली कैलकुलेटिंग वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट, सो वोल्टेज डिवीजन रूल इज एप्लीकेबल हियर, है ना, वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट इज नथिंग बट VA एंड वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट इज नथिंग बट VB, ओके। तो VA फर्स्ट वी कैलकुलेट VA, फर्स्ट वी कैलकुलेट VA, तो VA इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस 3 ओम रेजिस्टेंस। नाउ वी कैन नो वोल्टेज डिवीजन रूल, वी नो वोल्टेज डिवीजन रूल वेरी इजिली, वी कैन अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल, दिस इज 18 वोल्ट बैटरी, 3 ओम एंड 3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ रेजिस्टेंस आर सेम इक्वल, बोथ रेजिस्टेंस आर इक्वल, सो दैट वोल्टेज इज इक्वली डिवाइडेड इन बोथ द रेजिस्टेंस, दैट मीन्स 18 वोल्ट सोर्सेज, तो 3 ओम रेजिस्टेंस एंड 3 ओम रेजिस्टेंस पे वोल्टेज जो है 99 वोल्ट का डिवीजन होगा, आप लगा भी सकते हैं, बट इतना कॉमन सेंस है, यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज इक्वल डिवाइड होगा, तो 18 वोल्ट का टोटल वोल्टेज है तो 9 वोल्ट यहाँ पे डिवीजन होगा और 9 वोल्ट यहाँ पे डिवीजन होगा, दैट्स व्हाई VA इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे VA इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 9 वोल्ट आ गया, निकालने की नीड नहीं है, और जिनको निकालना है वो यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर ले, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, यहाँ का VB निकालना, तो ये करंट देखिए इसमें एंटर कर रहा है ना, और ये करंट इधर तो जाएगा नहीं ना, ये ओपन है, पूरा का पूरा 3 एम्पियर का करंट इस 1 ओम पे आएगा, तो 3 एम्पियर का करंट इस 1 पे आएगा, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, तो क्या हो जाएगा वहां पे जो VB है उसकी वैल्यू डायरेक्ट कितना हो जाएगा, VB इज इक्वल टू 1 ओम का रेजिस्टेंस है और 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, तो 1 × 3 कितना हो गया, 3 वोल्ट हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, क्लियर। अब VA VB मेरे को पता चल गया है बेटा, VA VB मेरे को यहाँ पे पता चल गया है, यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो ये जो VA है, VA का वैल्यू मैं कितना निकाला हूं, यहाँ पे 9 वोल्ट कैलकुलेट किया हूं, एंड द वोल्टेज अक्रॉस बी टर्मिनल कितना है, 3 वोल्ट मैं निकाला हूं, तो टोटल मेरा वोल्टेज कितना हो गया, 6 वोल्ट। तो व्हाट इज VTH, VTH इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, या मतलब दिस और दिस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। VTH कितना आ गया मेरा यहाँ पे, 6 वोल्ट आ गया,
इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब थर्ड मेरे को आरटीएच निकालना है। आरटीएच निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस टर्मिनल के क्रॉस मेरे को आरटीएच निकालना। तो स्टेप नंबर थर्ड में जाएंगे भाई, जिसको सिस्टमेटिक लिखना है। स्टेप नंबर थ्री लिखेंगे कैलकुलेट आरटीएच। तो उसमें लिखना ऑल दी वोल्टेज सोर्सेस आर शॉर्ट सर्किटेड बिकॉज इट इज रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस एंड ऑल द करंट सोर्सेस आर ओपन रेजिस्टेंस ओपन सर्किटेड। उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट सोर्स का, आइडियल करंट सोर्स का, इनफाइनाइट होता है, दैट इज इट इज रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किटेड। तो मैं यहां पे इसको ओपन कर दिया, ये देखिए ओपन कर दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। दिस इज शॉर्ट सर्किटेड ये, और दिस इज ओपन सर्किटेड, दिस इज शॉर्ट सर्किटेड, करेक्ट। सो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ऑल दिस क्वेश्चंस आर फर्स्ट केस क्वेश्चन है ना, इंडिपेंडेंट का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको आरटीएच निकालने में, ठीक है। तो दिस 3 ओम एंड 3 ओम बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि यहां से करंट आप भेजेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो 3/3 ओम का पैरेलल कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 हो गया, करेक्ट। दिस टर्मिनल इज ओपन सर्किटेड ना, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दैट्स व्हाई यहां पे तो ये सर्किट में कनेक्ट ही नहीं है, ओपन है ना, इसको मैंने यहां पे मिटा दिया, ओके। अब मेरा सर्किट ये हो गया। नाउ दिस 3/2 ओम रेजिस्टेंस एंड 1 ओम रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्यों, क्योंकि इसमें आप यहां से करंट फ्लो करा रहे हैं, तो दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग टोटल आरटीएच इक्वल टू 3/2 + 1, दैट मींस 2 × 1 = 2, 3 + 2 दैट इज 5/2, तो 5/2 ओम इज द आरटीएच। नाउ फाइनली वी कैन ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट है ना, एंड पुट द वैल्यू ऑफ वीटीएच एंड आरटीएच सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस। तो फाइनली स्टेप नंबर हम लोग यहां पे कितना चले गए, 3 वहां पे हो गया, स्टेप नंबर 4 में हम लोग यहां पे आ गए। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लीजिए। नाउ ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा VTH, और ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे RTH हो जाएगा, ठीक है। वेयर RTH इक्वल टू कितना दिया है, RTH का वैल्यू 5/2 एंड VTH के वैल्यू मैं यहाँ पे कितना निकाला हूँ, 6 वोल्ट इज द VTH है ना, ये आपका VTH है 6 वोल्ट, ठीक। एंड लोड रेजिस्टेंस कितना कनेक्टेड है, कितना ओम का था लोड रेजिस्टेंस, 5 ओम, तो लोड रेजिस्टेंस इज 5 ओम, ओके, या 5 ओम कनेक्ट कर दीजिए लोड रेजिस्टेंस। एंड करंट अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस आई, नाउ वी कैलकुलेट करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आई। सो टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस 5/2 + 5, सो 6 × 2 डिवाइडेड बाय 5 × 2 10 + 5 = 15, तो 6 × 2 दैट मीन्स 12/15 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सो 12/15 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज द स्टेप्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। सो दिस आर द पर्टिकुलर स्टेप्स दैट वी फॉलो एंड कैलकुलेट द फाइनल करेंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस 12/5, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चन को आप कोई बेसिक टेक्निक्स भी लगाइए आप सॉल्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको केवल थ्योरिन थ्योरम से सॉल्व करें और छोड़ दिए। अरे बेटा इसी में नॉर्टन भी लगाओ, इसी में मैक्सिमम भी लगाओ, इसी पे नोडल भी लगाओ, इसी पे आप मेज भी लगाओ, सब चीज को अप्लाई कीजिए ना, करंट तो सेम आएगा ना आपका। तो प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन इनफ होता है सारे मेथड्स को अप्लाई करने के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, आप एक रेफरेंस क्वेश्चन लीजिए और उस रेफरेंस क्वेश्चन में किसी भी ब्रांच पे करंट निकालिए और उसी करंट को सारे मेथड अप्लाई करके फिर निकालिए। यदि आपका सारा टेक्निक लगाएंगे और सारे टेक्निक में आपका आंसर मैच नहीं करता है तो आपको कहीं ना कहीं उसमें कॉन्सेप्चुअली प्रॉब्लम है। आंसर सेम आना चाहिए, यदि आंसर सेम आ रहा है तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो गया, नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। तो ज्यादा आपको क्वेश्चन लेने की नीड नहीं है, एक ही क्वेश्चन में सारा टेक्निक अभी तक जितना पढ़े हो सबको अप्लाई कर दीजिए और फाइनली वहां पे आंसर लाने की कोशिश कीजिए, जो आपका एक सिंपल टेक्निक से जो आप आंसर लेके आए हैं उस आंसर को लाने की कोशिश कीजिए। यदि प्रॉपर आंसर आ रहा है तो यू आर करेक्ट, और नहीं आ रहा है तो यू हैव टू नीड हार्ड वर्क अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया थेवेनिन थ्योरम का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 मैं लेके आ रहा हूँ।
जस्ट मैं अभी, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो 2016 में एसएससी जेईई मेंस में 10 मार्क्स का आया हुआ है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है करंट अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो थेवेनिन थ्योरम बोला है तो आपको थेवेनिन थ्योरम से ही सॉल्व करना है ना, 10 मार्क्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका डिस्कशन, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से इसका डिस्कस स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर वन आप क्या करते हैं इसमें, स्टेप नंबर वन जो है फर्स्ट आप लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या लिखते हैं बेटा इसमें, स्टेप नंबर वन रिमूव द आरएल, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करो। वेयर आरएल इज इक्वल टू कितना ओम, 10 ओम। तो 10 ओम को बेटा जल्दी से रिमूव कर लीजिए। ये हम लोग रिमूव कर दिए तो हमारा रेस्ट ऑफ द सर्किट कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये देखिए यहाँ पे रिमूव करने के बाद वो ओपन हो गया। ये देखिए ये बैटरी, ठीक, और यहाँ पे भी ये बैटरी हो गया आपका, कितना ये 10 वोल्ट का बैटरी हो गया, ये 10 वोल्ट का, ये प्लस माइनस, और ये आपका प्लस माइनस कितना वोल्ट का बैटरी हो गया, 5 वोल्ट का बैटरी हो गया। और ये आपके पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है, करेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, यहाँ पे VTH आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, VTH फाइंड आउट करना है, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे VTH फाइंड आउट करने के लिए, अभी मैं जस्ट इससे पहले केस लिया था स्टेप का VTH फाइंड आउट करने के लिए। तो मेरे को सबसे पहले तो या तो इधर VTH फाइंड आउट करूंगा या तो इधर से VTH फाइंड आउट करूंगा। इसका मतलब मेरे पास दो ऑप्शन है VTH फाइंड करने का, या तो मैं यहाँ से एक ऐसा लूप लगा सकता हूँ, या तो मैं यहाँ से चाहूंगा तो एक ऐसा लूप लगा सकता हूँ, या फिर ऐसा ही लगा सकता हूँ। ये है ना, ये फर्स्ट KVL है, ये सेकेंड KVL है, मेश वन मेश टू। देखो मेश नंबर वन से मैं लिखना चाहूंगा, मेश नंबर वन मैं लगाना चाहूंगा यहाँ पे, तो मेश नंबर वन से क्या मिलेगा, देखो मेश और लूप में आपको डिफरेंस पता है ना, इसलिए मैं मेश वर्ड यूज कर रहा हूँ। मेश है, ये मेश टू है ना। मेश क्या होता है, जिसके अंदर में कोई इनर लूप मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, द लूप इन विच नो इनर लूप एग्जिस्ट, सो दैट इज कॉल्ड मेश। और जिसमें इनर लूप एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड द लूप, सिंपली इंडिपेंडेंट लूप, डिपेंडेंट लूप है ना, फिर डिपेंडेंट लूप, ठीक। तो ये आपको समझ में आता है, मैंने बहुत अच्छे में अच्छे से समझाया है बेसिक टर्मिनोलॉजी में, आप जाके देख सकते हैं। तो मेश नंबर वन यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको लगाऊंगा इस सर्किट में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का ये हो गया बेटा 10, और ये हो जाएगा प्लस का 5, और ये हो जाएगा प्लस का VTH, प्लस का VTH इक्वल टू 0। तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, VTH इक्वल टू 10 माइनस, कुछ गड़बड़ी यहाँ पे, करंट है ना इसमें फ्लो होने वाली करंट, ओके। तो VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 माइनस 5 आई हो गया। अब आई की नीड होगी आपको, ये देखिए, चलो ये बात क्लियर हो गई। मेश नंबर टू से आप लगाते हैं तो क्या आता, देखो मेश नंबर टू लगाइए बेटा यहाँ पे, मेश नंबर टू लगाएंगे तो ये हमारा मेश नंबर टू है, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहीं कंप्लीट करेंगे। तो मेश नंबर टू लगाएंगे तो यहाँ पे क्या साइन है, माइनस है, माइनस के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एकदम क्लियर। माइनस से प्लस, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस, करंट क्या फ्लो हो रहा है उसमें, आई, ये आई हो गया, प्लस का ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 इज इक्वल टू 0। नाउ VTH इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5i प्लस 5, ये आपका हो गया यहाँ पे, यहाँ पे मैं बोलूं तो सेकंड मेश। अब जब मेरे को i का वैल्यू पता चल जाता है तो मैं यहाँ पे दोनों तरीके से VTH निकाल सकता हूं और दोनों में आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तीसरा तरीका क्या है, देखो तीसरा मेथड यहाँ पे आप का वोल्टेज VTH है ना, डायरेक्ट नोड लगा दीजिए, VTH आ जाएगा। मेथड वन, मेथड टू, मेथड थ्री में क्या करेंगे आप, डायरेक्ट वहां पे आप बेटा नोड लगा दीजिए, मेथड थ्री में नोडल लगा दीजिए, आपका डायरेक्ट VTH आ जाएगा। इतना मेथड कोई डिस्कस नहीं करता होगा आपको इस चैनल पे मिल रहा है, तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने ना भूलें प्लीज। तो यहाँ पे हम लोग नोड लगा देते हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नोड लगा देंगे तो ये VTH हो गया, माइनस का ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 5, ये आपका 5 हो गया, प्लस ये तो आपको पता ही है यहाँ पे क्या हो जाएगा, VTH माइनस 5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। तो VTH 2 VTH हो गया यहाँ पे, 2 VTH, करेक्ट। 5 5 तो 0 हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 5 माइनस 15, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 15, तो VTH इक्वल टू इस वाले मेथड से जल्दी से 7.5 वोल्ट आ गया, इससे जल्दी कभी नहीं हो सकता। इस वाले मेथड को यूज करेंगे हम लोग दोनों में से, तो आपको एक और मेस लगा लूप लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। तो लूप क्या हो सकता है, यहां से हो सकता है, देखो यहां से करंट को निकालना पड़ेगा, ये फ्लो होने वाले करंट आई है, चलो उसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल डालते हैं हम लोग यहां से। देखिए हम लोग यहां पे हम लोग अब लूप लगाया, मैं मेस तो लगा चुका हूं, अब लूप लगाया, लूप लूंगा यहां पे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए लूप, दिस वोल्टेज कितना है, माइनस 10 है, फिर 5 और 5 कितना हो गया यहाँ पे, प्लस का 10 आई फ्लो हो रहा है, और ये प्लस का कितना हो गया, 5 हो गया, इज इक्वल टू कितना, 0 हो गया, करेक्ट।
तो यहां पे I इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाई 10, दैट मीन्स 1/2, दैट मीन्स 0.5, यही आएगा ना। ओके, 10 उधर गया, पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव तो 10 में से 5 गया तो 5, और ये 10 नीचे, ओके 0.5। अब रख दो यहां पे 0.5, यहां पे रखेंगे तो कितना आएगा, ये 10 हो गया, 0.5 1/2 रखेंगे तो -2.5 इज इक्वल टू 7.5। देखो यहां से भी आंसर आ गया, यहां से भी 5 है, 1/2 प्लस 5, इसमें भी 7.5 आ गया। तो सारा मेथड आपका क्लियर होना चाहिए बेटा, कोई भी मेथड आप यूज करो, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। और मैं यही काम कर रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो मेश नंबर 1, मेश नंबर 2, मेथड नंबर 3, सब चीज क्लियर हुआ कि नहीं यहां पे, तीनों मेथड क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया, स्टेप नंबर 3 हम लोग यहां पे चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में आप क्या करते हैं, यहां पे हमेशा RTH निकालते हैं। RTH की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, यदि सारा सोर्स यहां पे जितने भी सोर्स कनेक्टेड है सारे क्या है, डिपेंडेंट है। तो केस नंबर 1 बोला हूं, केस नंबर 1 में कैसे निकाला जाता है, अरे बेटा यहां पे निकालना है, ये टर्मिनल ओपन है, यहां पे आपको RTH निकालना है। तो ये बेटा वोल्टेज सोर्स है, इसको आप क्या शॉर्ट करो, और ये भी वोल्टेज सोर्स है, इसको आप क्या करेंगे, आप शॉर्ट करेंगे। अब 5 और 5 दोनों पैरेलल में आ गया, तो RTH बता दीजिए, 5 और 5 का पैरेलल कितना होता है, 5 और 5 का पैरेलल 2.5 होता है सर, ये आपका RTH आ गया। स्टेप नंबर 3 यहां पे क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर 4 में मैं चलता हूं, यहां पे स्टेप नंबर 4 में लेके चलूंगा, तो आप क्या करेंगे, अरे VTH मिल गया, RTH मिल गया, तो दोनों को यहाँ पे सीरीज में लगा दीजिए, ये हो गया VTH, ये हो गया RTH, ये हो गया RL, सबको सीरीज में लगा दीजिए, यहाँ पे VTH, ये RTH, और ये क्या हो गया RL हो गया। कितना आ गया VTH का वैल्यू, कितना निकाले हैं आप, 7.5 निकाले हैं, 7.5, या फिर 15/2 लिख सकते हैं, 15/2, और RTH का वैल्यू 2.5 मतलब 5/2 लिख सकते हैं, और RL का वैल्यू कितना था वहां पे, RL का वैल्यू वहां पे 10 ओम था, ये लिख दिया मैं 10 ओम। तो फाइनली करंट क्या हो गया मेरा, करंट I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 15/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 15 20 25, ये आ गया 5 से कितने बार कट गया, 3 बार कट गया, 5 से 5 बार कट गया, तो 3/5 तो हमारा आंसर हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, 3/5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए कितना आ गया हमारा आंसर, 3/5। अब देखो ये 10 नंबर का, ये 2 मिनट का क्वेश्चन आया हुआ था, है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाइए। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 में अभी आपको लेके चलता हूं, उसमें हम लोग और डिस्कस करते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग जो और आने वाला लेक्चर है ना उसमें मैं डिपेंडेंट का प्रॉब्लम लूंगा, उसमें आपको डिपेंडेंट का प्रॉब्लम कराऊंगा, ठीक है। इस लेक्चर में ऐसी बेसिक क्वेश्चन ही लूंगा, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा लेवल में बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2017 में SSC JEE 2017 में आया हुआ है मेंस में, 15 मार्क्स, 10 to 15 मार्क्स। ओके, सो कैलकुलेट करंट इन 5 ओम रजिस्टर यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। सो वेयर इज 5 ओम रजिस्टर, हियर, ओके। इस 5 ओम रजिस्टर पे आपको क्या करना है, करंट निकालना है बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। सो स्टेप नंबर 1, हम लोग अभी तक इतना क्वेश्चन डील कर चुके हैं, तो अपने को क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, RL को रिमूव करना है, ठीक है, रिमूव लोड रेजिस्टेंस, करेक्ट। तो RL इज इक्वल टू मेरे पास 5 ओम का रेजिस्टेंस है, यदि मैं उसको रिमूव कर देता हूं तो मेरा जो सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा कि नहीं। ये हो गया, यहाँ पे आपका बैटरी लगा दिया मैं, ये ठीक, ये यहाँ पे कनेक्ट ही रहेगा, दिस रेजिस्टेंस एंड दिस बैटरी, ये देखिए दिस, ये देखिए ये, ठीक है, इसको मैंने रिमूव कर दिया। 4 ओम का रेजिस्टेंस के सीरीज में एक बैटरी कनेक्ट होगा 12 वोल्ट का, लाइक ये करेक्ट, ये आपका हो गया 20 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, ठीक है, ये आपका हो गया 10 वोल्ट, और ये आपका हो गया यहाँ पे 1 ओम, ये 1 ओम, इसको हम लोग इस साइड लिख लेते हैं 10 वोल्ट, और ये आपका हो जाएगा कितना, 1 ओम, ये 1 ओम, और ये आपका दिया है यहाँ पे 2 ओम का, ठीक, और ये 4 ओम, ठीक। तो कहाँ से रिमूव किए हम लोग, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे उसको हम लोगों ने रिमूव किया, ये। अब जहां से आप जिस रेजिस्टेंस को रिमूव किए हैं उसके क्रॉस ओपन टर्मिनल वोल्टेज या ओपन सर्किट वोल्टेज आप कैलकुलेट कर लेंगे, दैट मीन्स यहां पे आपको VTH चाहिए, उस पॉइंट का वोल्टेज चाहिए,
ठीक है। तो सेकंड स्टेप हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लिए स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू क्या बोलता है कि स्टेप नंबर टू आपको क्या कैलकुलेट करना है, वोल्टेज VTH कैलकुलेट करना है। यार VTH क्या है आपका, ओपन सर्किट वोल्टेज है ना उस टर्मिनल के क्रॉस। ठीक, यहाँ पे VTH कैलकुलेट करूंगा तो VTH कैलकुलेट करने के मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं। वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड VTH। तो मेरे को इस ब्रांच पे करंट पता चल जाएगा, फिर भी मैं VTH निकाल लूंगा, करेक्ट। तो सबसे इजीस्ट मेथड मेरे पास नोडल एनालिसिस होगा। दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड VTH, तो दिस वोल्टेज इज VTH ना, दिस वोल्टेज इज VTH। इस पॉइंट पे मैं नोड लगा देता हूँ, नोड लगाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट ए ले लीजिए इसको, इस ए पे KCL लगा दीजिए। तो KCL लगाएंगे तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, VTH क्या हो गया, VTH। मैं इस ब्रांच के लिए लिखना चाहूंगा तो VTH माइनस 20, माइनस का 20 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना, ये हो गया आपका 2, डिवाइडेड बाई कितना हो गया, ये 2 हो गया। इस पॉइंट पे आप VTH लगाइए, इस वाले ब्रांच पे VTH लगाइए तो प्लस का VTH, ये VTH, ओके। और ये आपका माइनस साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना 10, प्लस 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना 1 हो गया, करेक्ट। और इस ब्रांच पे आप VTH लगाइए तो कितना हो जाएगा, नोड लगाइए तो कितना हो जाएगा करेंट उस ब्रांच का, VTH माइनस 12 डिवाइडेड बाई कितना 4 हो गया, ये इज इक्वल टू 0, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लीजिए जरा, इसको भी 4 बना देता हूँ मैं, तो 4 यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा भाई, ये इसको भी 4 बना देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। ऑल द वैल्यूज ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल, तो ये 4 × 4 0 हो गया। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 2 VTH, 4 VTH और 1 VTH, कितना VTH, 7 हो गया, 7 VTH, करेक्ट। माइनस 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 40, ये हो जाएगा माइनस का 40, 4 × 10 प्लस का 20 × 40, 4 × 10 प्लस का 40, ओके प्लस का 40, ठीक। और ये माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ये 4 तो चला गया 0, 2 VTH, 4 VTH, 1 VTH, तो 4 × 2 = 7 हो गया। ये 2 × 20 तो माइनस 40, 4 × 10 प्लस का 10 और ये माइनस का 12, ओके। तो प्लस 40 माइनस 40 कैंसिल आउट, 7 VTH, 7 VTH इज इक्वल टू 12, ये आपका 12। नाउ VTH इक्वल टू कितना, VTH इक्वल टू 12 बाई 7, क्लियर, 12/7 वोल्ट, वोल्ट, ये आपका VTH आ गया। नाउ फाइनली, नाउ स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, फाइंड RTH, RTH, व्हाट इज RTH, RTH इज द थेवेनिन रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल, दिस ओपन टर्मिनल, ठीक है। तो वहां पे आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को आपको शॉर्ट करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स रिमेन शॉर्ट सर्किटेड, शॉर्ट एंड शॉर्ट, शॉर्ट दैट मींस डीएक्टिवेट करना पड़ेगा ऑल आर वोल्टेज सोर्सेस। तो वोल्टेज सोर्सेस को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, दैट मींस सारे वोल्टेज सोर्सेस का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्सेस का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है, दैट मींस हम लोग उसको शॉर्ट सर्किट कर दिए। तो दिस 1 ओम रेजिस्टेंस एंड दिस 2 ओम रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो 1 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2, दैट मींस 2/3। सो दिस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस साइड इज 2/3, ओके। एंड दिस 4 ओम, ओनली 4 ओम, तो 4 ओम। नाउ अगेन दिस 2/3 ओम एंड 4 ओम रेजिस्टेंस बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो व्हाट इज RTH, RTH क्या हो जाएगा फिर, RTH 2/3 पैरेलल टू 4, ओके। तो 2/3 × 4, 2/3 + 4, ओके। तो 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 12 + 2 = 14, दैट मीन्स कटा देंगे कितना कितना आएगा, 4/7 ओम, ये आपका हो गया VTH, करेक्ट।
अब VTH कैलकुलेट कर लिए तो फाइनल हमारा क्या होता है, स्टेप नंबर फोर, ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट। स्टेप नंबर फोर, व्हाट इज स्टेप नंबर फोर? ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट। तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, VTH और RTH, ये जो VTH है और ये जो RTH है दोनों किस में होता है, सीरीज में होता है, सीरीज सर्किट ड्रॉ करते हैं। दिस इज आर VTH, वेयर VTH इक्वल्स टू 12/7, 12/7। दिस इज आर RTH, RTH इक्वल्स टू 4/7, एंड दिस इज लोड रेजिस्टेंस, वेयर लोड रेजिस्टेंस इज 5 ओम, जिसके अक्रॉस आपको रेस्पॉन्स कैलकुलेट करना हो, करेक्ट। Now find the value of current across load resistance, where load resistance RL is equal to 5 ohm. तो वहां पे करंट का वैल्यू हम लोग निकालना चाहेंगे, तो I is equal to voltage 12/7, voltage 12/7 divided by total resistance, that is 4/7 plus 5. So we get 12 divided by 7 into 5, 35, 35 plus 4, 35 plus 4, 39. तो 12/39 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 12/39 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट सपोज कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टेंस। नाउ द वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 ओम वोल्टेज, दैट इज VL, इज इक्वल टू टोटल 5 ओम रेजिस्टेंस, 5 ओम रेजिस्टेंस। नाउ कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस दिस 5 ओम रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज 12/7, नाउ यूजिंग करंट डिविजन रूल, so multiplied by 5 and total resistance 4/7 plus 5. We are using directly voltage division rule. Okay, now total voltage is given 12/7 and voltage is divided in two part, 4/7 and 5. So simply we can directly voltage division rule applied and calculate the voltage across this 5 ohm resistance. So the voltage across this 5 ohm resistance by voltage division rule 12/7, that is total voltage multiplied by resistance, जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना हो उस रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जहां जहां आपका वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, सो 4/7 प्लस 5। ओके, तो 12/7, 12 इंटू 5 दैट इज 60, एंड 7 इंटू 5 मीन्स 35 प्लस 4 39, दिस इज द 39 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7, 7 कैंसिल, सो टोटल वोल्टेज अक्रॉस दिस load resistance is 60/39 volt. This is the answer. Okay, यदि आपको वहीं पे power calculate करने के लिए भी बोला जाता तो power भी calculate कर लेते, क्योंकि resistance पता है, current पता है, voltage पता है, everything हम अपने को पता है, that's why हम लोग वहां पे power भी calculate कर सकते थे, clear? Okay, so question number 6, ये रहा इसका solution, ये आपका 15 marks के लिए आया था, आपको इतना डिस्कस करना था, इसमें हर चीज निकाल सकते हो आप, ये जरूरी नहीं है कि आपको 5 ओम पे बोला है तो 5 ही ओम पे VTH RTH निकाले, आपको 4 पे भी निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितना आएगा, करेक्ट, ठीक है। डायरेक्टली यही करंट जो आपका यहाँ पे आया हुआ है, जो टोटल करंट यहाँ पे आप निकाले 12/39, उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे नोडल लगा के भी चेक कर सकते थे कि एक्चुअली में कितना आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक भी कर सकते थे, है ना। तो आप ये सब प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कीजिए और बहुत से क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली में ये सारे मेथड जो आप अप्लाई कर रहे हो सही है कि नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, मैं अभी लेके आ रहा हूँ, जो आपके SSC JEE में आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा अभी। ओके, चलिए डियर स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, है ना। अभी तक हम लोग जितना सॉल्व किए हैं उसमें से ये बेस्ट क्वेश्चन है फॉर JEE एग्जाम। इसमें बोला गया है, यूज थेवेनिन थ्योरम टू फाइंड द करेंट, यूज थेवेनिन थ्योरम टू फाइंड द करेंट थ्रू द स्विच, थ्रू द स्विच एस वेन इट इज क्लोज्ड। मतलब जब इस स्विच को क्लोज किया जाता है तो इसमें कितना करंट फ्लो होगा उसको आपको फाइंड करना है बाई यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो ये बेस्ट क्वेश्चन है अभी तक का, हम लोग जितना सॉल्व किए उसमें से ये बेस्ट क्वेश्चन है, 2007 में आया हुआ है मेंस में, जो कि आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, करेक्ट। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका स्टेप नंबर 1, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, दैट मीन्स इसको सबसे पहले तो इसमें करंट निकालना है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको 6 ओम रेजिस्टेंस पे करंट निकालना है, क्योंकि स्विच बोले या 6 ओम बोले एक ही चीज है, है ना। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस को मैं रिमूव कर देता हूं, है ना। फर्स्ट स्टेप लेता हूं मैं यहां पे, स्टेप नंबर 1, फर्स्ट रिमूव द
रिमूव दी लोड रेजिस्टेंस RL। ओके चलो सर्किट बना लेता हूं मैं यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके। अच्छा क्वेश्चन है, देखते रहिए इसको आप। ये हो गया 8 ओम का रेजिस्टेंस और ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है आपके पास, और 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है ये। और इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूँ 10 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है मेरे को, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और इस पॉइंट पे 15 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है ये, करेक्ट। अब ये हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट है। अब ये प्लस माइनस 10 वोल्ट, ये आपके पास हो गया 10 वोल्ट, ठीक है। ये आपके पास 8 ओम, यहां पे 4 ओम, और ये गिवन है 10 ओम, और यहां पे ये गिवन है 15 ओम, करेक्ट हो गई इतनी बात। अब आपको क्या करना है, यहां पे VTH कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट पे आपको क्या करना है बेटा, VTH कैलकुलेट करना है, ये यहां पे VTH, ये प्लस ये माइनस। इसका मतलब आप मान लीजिए यहां के वोल्टेज को V1 और यहां के वोल्टेज को आप मान लीजिए क्या V2, करेक्ट। इसका मतलब जो VTH होगा वो V1 माइनस V2 होगा। ये V1 है तो यहां पे आपका V1 हो जाएगा, ये आपके पास V2 हो जाएगा, ये 10 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये हम लोग का अप्रोच है, इतना हम लोग को करना है। लेट सपोज मैं यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नोड ले लेता हूं, इस ब्रांच पे करंट जीरो है, यहां पे नोड इस ब्रांच पे करंट जीरो है, ओके। तो एक दो ब्रांच कनेक्टेड है, एक दो ब्रांच कनेक्टेड है, ओके ठीक है। और इस पोटेंशियल का वोल्टेज कितना है, 10 है, और इस पोटेंशियल का वोल्टेज कितना है, जीरो है, क्लियर। सो फर्स्ट नोड मैं ले रहा हूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा, V1 पे नोड लूंगा तो V1 माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना 8 प्लस, इसके लिए क्या हो जाएगा, V1 बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। एक दो ही ब्रांच है, इस ब्रांच का करंट जीरो, इस ब्रांच का करंट जीरो, दैट इज ओपन टर्मिनल, और यहां तक का वोल्टेज जीरो, सो V1 डिवाइडेड बाई 10 ओनली, करेक्ट। तो यहां से नोड नंबर 1 को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, V1, ठीक है, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 80। डायरेक्ट मैं इसको लिख लेता हूं, डायरेक्ट V1, ओके। और ये 10 बाई 8 किधर आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो ये 10 बाई 8 यहां पे आ गया, करेक्ट। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बाई 8 इंटू 80 बाई 18, ठीक। तो ये 80 जो है कट गया 10 से, 100 बाई क्या आ गया, यहाँ पे 100 बाई आ गया आपका 18 आ गया, 50 बाई 9, ये 50 बाई आ गया आपका 9, V1 का वैल्यू 50 बाई 9 वोल्ट आ गया, करेक्ट। अब मैं वहां पे नोड 1 पे लिया था, अब मैं ले लेता हूं नोड 2 पे। 2 पे जैसे ही नोड लूंगा इस पॉइंट पे, तो एक दो तीन ब्रांच कनेक्टेड है, दिस ब्रांच का करंट जीरो, बिकॉज दिस इज ओपन टर्मिनल, तो ओनली दिस एंड दिस ब्रांच आर कनेक्टेड इन दिस नोड, सो वोल्टेज नोडल एनालिसिस V2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, और इस ब्रांच के लिए क्या हो जाएगा बेटा, V2 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू कितना, जीरो। देख लीजिए यहां से हम लोग V2 को कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, 1 बाई 15, तो 15 प्लस 4 हो जाएगा 19, और 15 इंटू 4 कितना 60, ये 60 हो गया, करेक्ट, इज इक्वल टू 10 बाई 4, ओके। सो V2 इज इक्वल टू व्हाट, V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 बाई 4 इंटू 60 बाई 19, करेक्ट। तो ये कट जाएगा 15 से, अरे हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 19, ये हो गया। अब फाइनली V1 V2 निकल गया, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, V1 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 50 बाई 9 है, करेक्ट, और यहाँ पे 150 बाई 19 है, 150 बाई क्या है 19, इतना क्लियर है। अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा, 50 बाई 9 एक बार आप करके देखिए, माइनस 150 डिवाइडेड बाई 19 कितना आ गया, ये माइनस का 2.339, माइनस का कितना आ गया, माइनस का 2.339, ये मेरा VTH आ गया, करेक्ट, ये मेरा क्या आ गया, VTH आ गया। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, RTH की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो RTH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्या करूंगा, यहाँ पे शॉर्ट करूंगा दिस वोल्टेज सोर्स, इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे शॉर्ट। अब इसी पॉइंट के अक्रॉस मेरे को क्या करना है, RTH कैलकुलेट करना है, दिस इज द RTH, है ना ये, ठीक। तो RTH कैलकुलेट करूंगा तो दिख रहा है ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल, ठीक है। फिर दोनों रेजिस्टेंस किस में आ जाएगा, सीरीज में, तो यहां पे हो जाएगा 8 इंटू 10 दैट इज 80, 8 प्लस 10 18, है ना, और यहां पे
15 इंटू फोर 60 एंड 15 इंटू फोर 19। ठीक, अब ये दोनों किस में आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा, तो सीरीज में दोनों को ऐड कर दीजिए, तो फाइनली RTH इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 19। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा सा मैं हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पे जल्दी करने के लिए, आप लोग विदाउट कैलकुलेटर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ईज ऑफ कैलकुलेशन है ना, मिस्टेक को मैं मिनिमाइज करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। तो प्लस 60 बाई 19, तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 7.602। कितना आ गया, 7.602 ओम आ गया ये। तो ये मेरा VTH हो गया, ये मेरा RTH हो गया। इन दोनों को यूज करके मैं यहाँ पे करंट बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस, ये मेरा RTH और ये मेरा RL, करेक्ट। RTH का वैल्यू 7.602 और इसका RL का वैल्यू कितना दिया था, 6 ओम दिया था, नथिंग बट 6 ओम ही कनेक्टेड था स्विच के क्रॉस। और VTH का वैल्यू माइनस का कितना दिया है, VTH का वैल्यू माइनस का 2.339। इसको प्लस भी लिख सकते थे ऊपर में नेगेटिव पॉजिटिव बना के, बट हम लोग इसी टर्म में लिख लेते हैं। तो करंट फ्लो होने वाली करंट इसमें कितना आएगा, नाउ करंट I इज इक्वल टू माइनस का 2.339 डिवाइडेड बाई 7.602 प्लस 6। तो माइनस में कितना आंसर आएगा, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ आंसर, ठीक है, माइनस 0.171। यदि आप इसको माइनस को प्लस लिख देते हैं और इसको आप माइनस और ये प्लस, तो डायरेक्शन आपका ऐसा हो जाता है और आपको उस कंडीशन में करंट जो है पॉजिटिव आता 0.171। तो ऐसा भी कर सकते थे। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कितना आ जाएगा, 0.171 आ जाएगा। करंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0.171। आप वहां पे कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट 0.171 एम्पियर, यूनिट लिखना जरूरी है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि 2007 में आया हुआ था, थोड़ा सा दिख रहा था कि टफ है बट टफ नहीं है। दूसरी बात, आप इसमें ये 100 है तो ये प्लस माइनस ये V1 मान लो, ये प्लस माइनस ये आप V2 मान लो, सिंपली वोल्टेज डिवीजन रूल से भी आप V1 V2 निकाल सकते हो। ये V1 इज इक्वल टू क्या हो जाता, 10, यहाँ पे निकालना है तो 8 डिवाइडेड बाई कितना, 10 प्लस 8 18, दैट इज कितना, 10 इंटू 8 80 बाई 18, ठीक है। और V2 निकालना है तो कितना हो जाता, 10 इंटू 4 पे निकालना है 4 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 4 19, दैट मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 19। अब दोनों को आप वहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे V1 कितना लाए थे हम लोग, 50 बाई 9, इसका मतलब ये हो गया। अब इसको मैं दोनों को माइनस करता हूँ, V1 माइनस V2, तो कितना आएगा, 80 बाई 18 माइनस 40 बाई 19, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2.339 आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है, इन दोनों का सबट्रैक्शन, VTH जो है इन दोनों का V1 माइनस V2 करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ रहा है, 80 बाई 18 माइनस 40 बाई 19 करेंगे तो 2.33 समथिंग आ रहा है, जो कि सेम आंसर है, जो VTH आया था वही है ना ये, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पे ये वोल्टेज पता, तो यहाँ डिवाइड होगा ये वोल्टेज, यहाँ डिवाइड होगा, तो वोल्टेज डिवीजन रूल भी लगा सकते थे, नोड नहीं लगाना है, तो आंसर सब में सेम आएगा, बस कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, करेक्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेवल अच्छा था इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग और अभी डिस्कस करने हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर, चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें 50 ओम रेजिस्टेंस पे करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना था यहाँ पे बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट शोन इन फिगर बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो सिंपल इसमें अप्रोच क्या है, ऐसा आपको क्वेश्चन दे देगा तो आपका सिंपली अप्रोच क्या होना चाहिए, अप्रोच कहने का मतलब आप इसको सॉल्व करने का जो टेक्निक है, थॉट प्रोसेस आपके क्या होना चाहिए, अप्रोच, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको करंट को फाइंड आउट करना है, तो करंट आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या की जरूरत पड़ेगा, सबसे पहले तो अपन को करंट फाइंड आउट करना है, लेकिन अपने को इसको थेवेनिन थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट करना है ना। तो लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करेंगे और उसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, करेक्ट है, थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करना है। तो ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इसको आप रिमूव कर देंगे तो ये क्या मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा ना ये, ठीक। कितना ओम था वहां पे, कितना ओम था वहां पे, 50 ओम ना, 1 मिनट, हाँ 50 ओम कनेक्टेड था। RL कितना था मेरे पास,
50 ओम, ये 50 ओम मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब रिमूव कर दिया तो मेरे को यहाँ पे VTH निकालना है, VTH ये, इसका मतलब ये आपका प्लस या माइनस ले लो इसको आप, ठीक करेक्ट है ऐसा करके। अब VTH मैं निकालूंगा, VTH इसका मतलब क्या है मेरे को, VTH इज द वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ठीक है, यहां और यहां के बीच का वोल्टेज ड्रॉप है, करेक्ट। तो VTH मेरे को यहां पे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, इस पॉइंट को मान लेता हूं VB और इस पॉइंट को मान लेता हूं ABC और इस पॉइंट को मान लेता हूं VD, ठीक है। तो जो मेरा VTH होगा, VTH होगा वो क्या होगा, VTH जो होगा यहां का वोल्टेज वो क्या होगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज का डिफरेंस है ना, VB माइनस VD होगा, यही होगा ना, ठीक है, दिस वोल्टेज और दिस वोल्टेज का डिफरेंस, ओके। और यहाँ का वोल्टेज कितना है, इस पॉइंट का वोल्टेज 20 वोल्ट है, इसके कारण ये प्लस है ना, ये 20 वोल्ट है, और यहाँ का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है, करेक्ट। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट का वोल्टेज मेरे को मिल जाएगा तो मैं VTH निकाल सकता हूँ। तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, ये VB निकालना और VD निकालना। तो VB को आप कैसे निकाल सकते हैं, आराम से यहाँ पे आप वहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइए, आपका VB निकल जाएगा। तो VB आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, VB इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट, तो टोटल वोल्टेज आपको यहाँ का 20 पता है, ये 20 हो गया। कहाँ का वोल्टेज निकालना है आपको, यहाँ का निकालना, दैट मीन्स यहाँ का निकालना है वोल्टेज आपको, है ना। तो VB इंटू 25 डिवाइडेड बाई, आप इसको पैरेलल ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, है ना, तो दिस एंड दिस सीरीज, दिस एंड दिस सीरीज, तो ये और ये आपको VB मतलब यहाँ का वोल्टेज, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का वोल्टेज चाहिए। तो VB इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज 20 मल्टीप्लाई इस पॉइंट का वोल्टेज 25 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, 20 और 25 45 हो जाएगा, है ना, 5 से इसको कटा देते हैं, 5 से जाएगा 5 टाइम, 5 से जाएगा 9 टाइम, तो 20 100 हो गया और ये 9 हो गया, ये वोल्ट करेक्ट, ये VB आ गया। VD आपको कैलकुलेट करना है सिंपली, तो VD इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ का वोल्टेज कितना पता है 20, है ना, ये VD यहाँ के वोल्टेज है, तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 30 हो जाएगा, ये कर गया 20, 40 बाई 3 क्या हो गया 3। अब क्या करें बेटा, दोनों को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं ना, फाइनली VTH इक्वल टू VB कितना दिया हुआ है वहाँ पे, 100 दिया हुआ है, तो 100 बाई ये 9 हो जाएगा, एंड VD का वैल्यू कितना गिवेन है यहाँ पे, 40 है, ये 40 बाई 3, ठीक, इसको भी मैं 3 बना लेता हूँ, चलो 9 बना लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 9, ये हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 20 डिवाइडेड बाई आपका 9 आ गया, माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 9, इतना VTH आ गया, करेक्ट। अब RTH निकालना हो तो क्या करोगे, यहाँ से RTH कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक, RTH निकालना हो तो ये सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा, ये शॉर्ट हो गया, ये जैसे ही शॉर्ट हुआ आपका ये शॉर्ट हो गया, ये इसका मतलब ये पॉइंट आपका कहाँ पे आ गया होगा, इधर आ गया और ये पॉइंट इधर आ गया, ठीक है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल, फिर ये दोनों पैरेलल, फिर सीरीज हो जाएगा, दैट मीन्स RTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, RTH इक्वल टू 20 पैरेलल टू 25 प्लस 20 पैरेलल टू 10। अब दोनों का पैरेलल सॉल्व कर लीजिए, 20 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 25 45 हो गया, प्लस 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 30 ये हो गया। अब इसको आप कैंसिल करना चाहेंगे तो कर लीजिए, 5 से कट गया, ये 5 से कट गया, तो 20 पंचे 100 बटा 9 हो गया ये, प्लस ये कट गया 0 20 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 3 हो गया, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से यहाँ भी कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20 या 60 डिवाइडेड बाई 9, तो कितना हो जाएगा, 160 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाई 9 आपका RTH हो जाएगा। तो फाइनली VTH मिल गया, RTH मिल गया, तो आप यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये देखिए ऐसा, ये ठीक। तो VTH का वैल्यू कितना है, माइनस का 20 बाई 9 है, ओके, तो माइनस को मैं प्लस लिखता हूँ, इसको प्लस बना लेता हूँ, ये प्लस, ठीक है। और RTH का कितना है, 160 बाई 9, और RL कितना था, 50 ओम था ये, तो इसमें करंट फ्लो होगा ऐसा, करेक्ट। तो ये जो करंट आएगा वो कितना आने वाला है, 20 बाई 9 डिवाइडेड बाई 160 बाई 9 प्लस 50,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 50, तो 450 हो जाएगा, 450 प्लस 160 प्लस 450, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर सॉल्व करके 20 डिवाइडेड बाई 160 प्लस 450 कितना आएगा, ये क्या आएगा 0.032 एम्पियर यहाँ का आंसर आने वाला है, 0.032 दैट मीन्स 32.7 मिली एम्पियर इसका आंसर आया हुआ है। ठीक है, तो ये अप्रोच के थ्रू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, यदि थेवेनिन में ऐसा प्रॉब्लम दे दिया तो आप इस अप्रोच के थ्रू जा सकते हैं वहां पे आप निकालने के लिए। VTH इज द वहां का VB माइनस VD कर देना, RTH वो पैरेलल में आ जाएगा, और ये इक्विवेलेंट सर्किट बनाना डायरेक्टली आप, और वहां पे वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना यदि थेवेनिन से निकालना हो तो। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चंस, और हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे और कल अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम लोग आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं, कमेंट करना ना भूलें, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे कमेंट कीजिए, कमेंट को मैं प्रॉपर पढ़ता हूँ, आपको रिप्लाई भी करता हूँ, ताकि थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा मेरे में पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके कमेंट्स को देख के, है ना। तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, थैंक यू। We'll be right back.